रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को देर शाम पटना लौट आए और आते ही एक बार फिर से वो अपने पुराने जो उनका जो काम है हमेशा की तरह नीतीश सरकार पर जम करके हमला किया। साथ ही उन्होंने तीन कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की मौत पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मुआवजे की मांग की। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान के आश्रितों को केंद्र सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा में दे और साथ ही एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे। साथ ही साथ नीतीश कुमार सरकार के सहयोगी रहे हैं इसलिए बिहार सरकार भी वैसे परिवार को अपनी ओर से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। वहीं तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए सांसद प्रिंस राज भी सामने आ गए। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान के आश्रितों को मदद मिलनी चाहिए और इस तरह से प्रिंस राज ने इशारों में केंद्र सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए। दरअसल चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज एनडीए के सहयोगी हैं और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ये जो थोड़ी मिस्ट्री लग रही है, आपको बता दें कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को खत्म करने का ऐलान किया था। वहीं एक साल से चल रहे किसान आंदोलन में लगभग 700 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वहीं नीतीश सरकार के 15 साल बेमिसाल पर तेजस्वी यादव ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने सवाल डालते हुए कहा कि किसी चीज में बेमिसाल, बेरोजगारी में, शराबबंदी में, अपराध में या फिर शिक्षा बर्बाद हो गया है इस मामले में, कुत्ता अस्पताल में बैठते हैं इस मामले में, बाढ़ सुखाड़ के मामले में किस मामले में बेमिसाल कहे। उन्होंने कहा कि 15 साल में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है। शराबबंदी पर तो नीतीश कुमार ने हमारे 15 सवालों में से किसी एक का भी जवाब नहीं दिया और नीतीश कुमार कहते हैं कि 15 साल बेमिसाल, तो कई सवाल फिर से उन्होंने दाग दिए हैं और वापस से जो विपक्ष का काम होता है वो तेजस्वी यादव बखूबी निभा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।